मेरा जो नाम है, मेरा जो आइडेंटिटी है, ये मेरे लिए परेशानी बन गया है। हमारा मुद्दा है कि किस प्रकार से जो एक सामान्य से छात्रा जो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में आती है, उसको आत्महत्या के लिए जो है मजबूर होना पड़ता है। तो अभी भी होता है, अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो अभी भी एक आइडेंटिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। इस तरीके से ये लोग छोड़ के नहीं जा सकते हैं कि एक तरफ यूनिवर्सिटीज़ में हम फीहाइक कर देंगे, दूसरी तरफ जो यूनिवर्सिटीज़ पहुँचेंगे उनके साथ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव होगा और उनके ऊपर जब हमले होंगे और उसकी न्याय भी नहीं दिलाएंगे। जैसे कि सबको पता है, फातिमा लतीफ़ जो 19 साल की एक लड़की थी, जो मुसलमान लड़की थी, वो सुसाइड कर लेती है और वो सुसाइड नोट में लिखती है कि कैसे उसके जो प्रोफेसर्स थे वो उसको हरास करते हैं इस्लामोफोबिक स्लर्स के वजह से। तो हम चाहते हैं एक जुडिशियल, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और हम उसके लिए मांग कर रहे हैं यहाँ पे। पहले हमने देखा कैसे रोहित को हैदराबाद यूनिवर्सिटी में वो सुसाइड कर लेता है, जो पहले एमएचआरडी मिनिस्टर थी स्मृति ईरानी, उसके वजह से कैसे वो सुसाइड कर लेता है। हम पायल तडवी का ही केस देख ले और अभी जो फातिमा लतीफ़ का केस है, तो हम चाहते कि ऐसा बॉडी हो एक जो इन सारे जो कॉम्यूनल जो चीज़ों के वजह से जो स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं उस पर एक मतलब काम करे, एक इंडिपेंडेंट ऐसा एक बॉडी हो। देखिए, हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि फातिमा लतीफ़ जिसने सुसाइड किया, और उसने सुसाइड क्यों किया, उसने सुसाइड वो कहती है, लिखकर वो जाती है कि मेरा जो नाम है, मेरा जो आइडेंटिटी है, ये मेरे लिए परेशानी बन गया है। तो आज हिंदुस्तान में फातिमा के साथ साथ और लोग भी कह रहे हैं कि जो मुस्लिम आइडेंटिटी है ये आज परेशानी हमारे लिए बन रही है और हम कहीं ना कहीं सिक्योर नहीं है। और वर्डिक्ट भी यही कहता है कि आपको बहुसंख्यकों की तरह सम्मान नहीं मिल सकता लोकतंत्र में, जैसा ये वर्डिक्ट अभी आया है आस्थाओं के हिसाब से। दूसरा, फातिमा नफी फीस के लिए जो हमारी मांग है, उसकी मांग ये है कि इसके लिए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिठाया जाए, गवर्नमेंट से चाहेंगे, एमएचआरडी बिठाए, गवर्नमेंट बिठाए, होम मिनिस्ट्री इस चीज़ को देखे, देश का जो रोलिंग गवर्नमेंट है वो देखे और सुप्रीम कोर्ट भी इसको देखे, और जो गिल्टी हैं, जो गिल्टी पाए जाते हैं जिस वजह से उसे सुसाइड करना पड़ गया है, उस बच्ची को, वो जो 19 साल की फातिमा नफीस, वो टॉपर थी, हमारा आने वाला देश का एक बहुत बड़ा फ्यूचर था, जो जिसको ख़त्म ये भेदभाव करने वाले लोगों ने, नफ़रत करने वाले लोगों ने मुसलमानों से, वो ख़त्म कर दिया है। तो इसके लिए इंक्वायरी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, और उसके बाद जो गिल्टी पाए जाते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन तो अभी पूरे देश में हो रहा है, और क्योंकि मैं खुद माइनॉरिटी आइडेंटिटी से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोगों ने एक स्पेशली अभी जो ये दौर है, जिस दौर में एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, पूरे नफरत की जो कम्युनल आइडियोलॉजी फैलाई जा रही है, अगर आप इतिहास के पन्ने पलटे तो अभी का सबसे ज़्यादा कम्युनल इन्वायरमेंट है। तो अभी भी होता है, अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो अभी भी एक आइडेंटिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। और चाहे आप रोड पर बाहर निकलते हो तो आप कभी कहीं ना कहीं आप डर महसूस करते हैं कि आप आइडेंटिटी रिवील करें और कहीं कुछ लोग आप पे ये ना कर दें, ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा क्राउड होती है। तो यहाँ पे इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे एक पूरा अटैक है, जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनका अटैक है कि ये जो माइनॉरिटी से लोग हैं, जो मुस्लिम और दलित और जो भी गरीब लोग पढ़ने आ रहे यूनिवर्सिटी में अपने पूरे समाज के भले के लिए, ये लोग एक नई पॉलिसी लेके आए हैं, एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो उसमें इन लोगों ने पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन इंट्रोड्यूस किया है एजुकेशन के फील्ड में। जबकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन वाइज भी देखें और एक जो एक वेलफेयर स्टेट का जो पूरा एक संरचना होता है, उसमें आपको जितना कम से कम प्राइवेटाइज कर सके उतना सही है, क्योंकि सारे लोग, एक शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो सारे लोगों को इक्वल मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में इसका उल्टा हो रहा है कि अगर आप किसी अमीर परिवार से आते हैं तो आप लाख करोड़ रुपए दे के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, और अगर गरीब से आते हैं, जिस तरीके का पूरा भी जेएनयू में मुद्दा चल रहा है, और साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि किस तरीके से ये सरकार, जो अभी तक यूनिवर्सिटी बनी नहीं है, जीयू यूनिवर्सिटी, उसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का खिताब देती है। आज हम यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए आए हैं क्योंकि हमारा मुद्दा है कि किस प्रकार से जो एक सामान्य से छात्रा जो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में आती है, उसको आत्महत्या के लिए जो है मजबूर होना पड़ता है, और जो टॉपर है और जो उसको मानसिक रूप से जो है इतना घायल कर दिया जाता है, उसका इतना शोषण किया जाता है कि उसको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है। और ये सिर्फ आत्महत्या एक लड़की की नहीं है, ये आत्महत्या है जो हमारे देश में धर्म निरपेक्षता की जो दुहाइयाँ दी जाती है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद जिसमें कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, लिंग, जाति, किसी के आधार पर जब भेदभाव नहीं हुआ जाएगा, भेदभाव क्या, उसको इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है कि उसको जो है आत्महत्या करनी पड़ती है। और ये विचार जो विश्वविद्यालय स्तर पर कहाँ से फैलाया जाता है,
जा रहा है। ये जो राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय पटल की जो वर्तमान की छवि है, जिसमें कुछ कट्टरतावादी लोगों के द्वारा इस तरह की विचारधारा फैलाई जाती है कि की जो SC ST अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज़ है उनको इतना डर कर रहना पड़ता है और उनको इतना डर कर और यहाँ और यही विचारधारा कहीं ना कहीं हमें जो है विश्वविद्यालय स्तर पर भी देखने को मिलती है कि जो टीचर्स है वो स्टूडेंट्स के साथ ऐसा बिहेव करते हैं कि उनको जो है चाहे वो रोहित वेमुला हो, चाहे वो नजीब हो, चाहे वो पायल ताडवी हो, उनको जो है मरने पर मजबूर होना पड़ता है। हम जैसे कॉमन स्टूडेंट जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, पायल जैसे स्टूडेंट्स, रोहित जैसे वेमुला जैसे स्टूडेंट जो पढ़ने आते हैं उनको आत्महत्या के लिए मजबूर होना, तो हमारा जो प्रश्न ये हमारा सिर्फ एक प्रश्न यही है कि जो इस प्रकार से जो वर्तमान की जो स्थिति बनाई गई है जिसमें कुछ लोगों को कुछ SC ST या फिर अल्पसंख्यक को जो बिल्कुल तुच्छ समझा जा रहा है, उनको तुच्छ नहीं समझा जा रही, क्योंकि ये जो देश है वो एक विविधता में एकता पर टिका हुआ है, कट्टरता पर नहीं टिका हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जो विविधता में एकता की जो हमारे देश की संस्कृति है उसको जो झूठे कट्टरता के पर्दे में जो छिपाने की कोशिश की जा रही है वो नहीं होना चाहिए। दरअसल जो फातिमा लतीफ़ ने अपने जान लेने में जो मजबूर हुई है, अपने पत्र में जो लिखा और जो उसके माँ बाप जो लगातार बोल रहे हैं कि उसकी क्लास की टॉपर थी, बट उनके प्रोफेसर को ये बात नहीं पच रहा था कैसे एक मुसलमान उसके क्लास में टॉप कर सकती है, और इस बात को लेके बार बार उसके धर्म को लेके, उसके आइडेंटिटी को लेके, उसके जाति को लेके मजाक उड़ाया जाता था, सवाल उठाया जाता था। 19 साल की लड़की थी जो बहुत उम्मीदों के साथ एक यूनिवर्सिटी गई है, उस उम्मीदों को इस नफ़रत की राजनीति ने तोड़ा है, और पहली बार नहीं देखा कि इस उम्मीदों की राजनीति, इस उम्मीद की किरण को हमारे कैंपसेस में कैसे तोड़ा गया है। रोहित के साथ हम लोगों ने देखा कैसे उसके दलित होने की वजह से उसके ऊपर संस्थानिक हत्या हुआ। हम लोगों ने पायल तांडवी के साथ देखा जो पहली डॉक्टर थी, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, अपने आदिवासी समाज से, अपने गांव से, उसके साथ किस तरीके से बर्ताव किया गया। हम लोगों ने ये पहले जिशा के साथ देखा, और अब मेरे कैंपस में नजीब के ऊपर जो हमला हुआ और जो गायब हुआ है। ये तरीके से लगातार इस कैंपसेस में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भड़काव दिख रहा है, और ये कोई आइसोलेटेड नहीं है कि कैंपस की मामला है। हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, इसके न्याय दिलाने के लिए रोहित एक्ट की मांग कब से कर रहे हैं, पर ये सरकार उसको सुनना नहीं चाहता है। रोहित एक्ट में हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हर कैंपस में एक कमेटी हो, जैसे GS Cash है जो जेंडर सेंसिटाइजेशन को लेके, जेंडर जस्टिस को लेके एक कैंपस में कैंपेन करता है, लोगों को पनिश करता है जो वायलेट करते हैं, उसी तरीके से जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे जो नफ़रत आपकी इस्लामोफोबिया हो जाए, खास कम्युनिटी के खिलाफ या जाति के खिलाफ जो माहौल खड़ा किया जाता है उसको तोड़ने के लिए जो सेंसिटाइजेशन आपको चाहिए, जो मैकेनिज्म आपको उसको इंटरनली चाहिए और खुद इंटरनली उसको डील किया जाए, वो मैकेनिज्म को लेकर हमारी रोहित एक्ट की मांग है। बट अनफॉर्चुनेट की बात है कि ये रोहित एक्ट से रुकेगा नहीं। जिस तरीके से पूरे देश भर में मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ एक राजनीति तुली पड़ी है, जहाँ पे उनके आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए, वो इस देश के नागरिक है या नहीं प्रूफ करने के लिए एक नेशनल NRC की बात अमित शाह बात कर रहा है, उसको लागू करने के लिए फॉरेन ट्रिब्यूनल लागू किया जा रहा है, जहाँ पे अब इन सारे पिछड़े समुदायों को अब लाइन में लग के उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ मैं इस देश का नागरिक हूँ, इस देश का नागरिक था और रहूँगा। तो ये इस तरीके का एक खास समुदाय के खिलाफ, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ पूरी व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, मंत्रियों के थ्रू किस तरीके से नफरत फैलाया जा रहा है, जब तक ये जड़ से नहीं ख़त्म होगा, जब तक ये इस्लामोफोबिया ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये जातिवाद वहाँ से ख़त्म नहीं होगा, तब तक ये आपको हर समाज में अलग अलग तरीके से इसको देखने को मिलेगा। इसको हर कैंपस में डील करने के लिए ही ये रोहित एक्ट का एक सोल्यूशन हम लोग अपने तरफ से रख रहे हैं, और उससे पहले नजीब के मामले में, पायल के मामले पे, और अब फातिमा के मामले पे हम लोगों की इंडिपेंडेंट प्रूफ की मांग है, और पहले के प्रूफ में क्या निकल के आया ये भी उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा। और इस तरीके से ये लोग छोड़ के नहीं जा सकते हैं कि एक तरफ यूनिवर्सिटीज़ में हम FIH कर देंगे, दूसरी तरफ जो यूनिवर्सिटीज़ पहुँचेंगे उनके साथ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव होगा, और उनके ऊपर जब हमले होंगे और उसकी न्याय भी नहीं दिलाएंगे। Thank you.